आज मैं आपको आयरन मैन को प्ले करने वाले एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ। फैक्ट नंबर वन, क्या आप जानते हैं कि आरडीजे जापान में अलाउड नहीं है, क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं कि उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री रही है और 2009 में जब वो आयरन मैन के प्रमोशन के लिए जापान गए थे तो वहाँ पे उनको एयरपोर्ट से डिटेन कर लिया गया और उनसे 6 घंटे पूछताछ चली थी, जिसके बाद जापान ने उनके ऊपर बैन लगा दिया, वो कभी भी जापान नहीं जा सकते हैं। फैक्ट नंबर टू, जब आरडीजे को आयरन मैन के रोल के लिए कंसिडर किया जा रहा था तो मार्वल में से कोई भी नहीं चाहता था कि आरडीजे टोनी स्टार्क प्ले करें, क्योंकि उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री थी, वो ड्रग एडिक्ट थे और इसी बैकग्राउंड की वजह से उन्हें कोई भी अपनी मूवीज में लेना नहीं चाहता था। लेकिन आयरन मैन के डायरेक्टर जॉन फेवरो चाहते थे कि अगर कोई टोनी स्टार्क प्ले करेगा तो वो रॉबर्ट डाउनी जूनियर ही करेंगे, और जॉन फेवरो ने कहा कि अगर आरडीजे को मूवी में लीड नहीं लिया गया तो वो खुद मूवी को छोड़ देंगे, जिसके बाद मार्वल स्टूडियोज को उनकी बात माननी पड़ी एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। फैक्ट नंबर थ्री, एक टाइम पे आरडीजे हॉलीवुड के लीस्ट पेड एक्टर थे और दूसरी तरफ सक्सेसफुल हो जाने के बाद उन्हें एंड गेम मूवी के लिए $75 मिलियन यानी कि $550 करोड़ रुपए की फीस